आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश के संविधान को तोड़ रही है, कश्मीर को अफगानिस्तान बना दिया गया है, महबूबा का बड़ा आरोप। महबूबा मुफ्ती के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह कहा कि ऐसे लोगों ने शुरू से आतंकवादियों को बढ़ावा देने का काम किया है, भारत और कश्मीर को बदनाम करना इनकी पुरानी आदत है। महबूबा मुफ्ती जो कि लगातार बीजेपी पर निशाना साधती रहती हैं, मोदी सरकार पर निशाना साधती रहती हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है और तुलना अफगानिस्तान और फिलिस्तीन से की है कश्मीर की। बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को बदनाम करने का जो मौका है वो नहीं छोड़ती है महबूबा मुफ्ती, कश्मीर को अफगानिस्तान बना दिया गया, ये आरोप लगाया है महबूबा मुफ्ती ने। मनीष शुक्ला हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मनीष, ये पहली दफा नहीं है जब महबूबा मुफ्ती ने इस तरह का बयान दिया हो, लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर ऐसा कोई बयान दिया जा रहा है तो उसका आधार भी तो फिर जनता के आगे सामने रखना चाहिए ना। ठीक है, मनीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर मनीष का एक बार फिर से रुख करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बहुमत को हथियार बनाया और वो देश के संविधान को तोड़ रही है। महबूबा मुफ्ती ने विपक्षी दलों को साथ आने की बात कही। इंटीग्रेशन तो मुझे मालूम नहीं कितनी हुई है, बट तबाही बहुत ज्यादा हुई है। अगर आप आज कश्मीर जाएंगे तो आपको वो अफगानिस्तान जैसा लगेगा, बिकॉज द बुलडोजर इज देयर, लेकिन रोकने का भी एक तरीका। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने 370 को लेकर सवाल उठाए। उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट में उनका केस मजबूत था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महबूबा मुफ्ती के आरोपों पर पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों ने शुरू से आतंकवादियों को बढ़ावा देने का काम किया है, भारत और कश्मीर को बदनाम करना इनकी पुरानी आदत है। ये शुरू से आतंकवादियों को बढ़ावा देने का काम किया, समर्थन करने का काम किया, भारत को बदनाम करना, कश्मीर को बदनाम करना उनकी पुरानी आदत है। मनीष शुक्ला हमारे सहयोगी एक बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। मनीष, एक बार फिर से पीडीपी अध्यक्ष ने हमला बोला है और इस बार तुलना अफगानिस्तान से कर दी है। अफगानिस्तान जहां पर महिलाओं के स्कूल तक बंद किए जा रहे हैं, वहां बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, और उसकी तुलना कश्मीर से कर रही है महबूबा, जहां की रोजगार के मौके बढ़े हैं और 2019 के बाद से वहां चीजें बेहतर हुई हैं। जी बिल्कुल चंदन, यही बात समझ नहीं आती। कल उन्होंने दिल्ली में जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस दौरान उन्होंने कश्मीर का कंपेयर कंपेरिजन जो है अफगानिस्तान से और फिलिस्तीन से किया था। और दरअसल कश्मीर को ये बदनाम करने की बहुत से लोग ये मानते हैं कि महबूबा मुफ्ती लगातार कश्मीर में उनको डेवलपमेंट, इस बार पहली बार सबसे ज़्यादा संख्या में कश्मीर में टूरिस्ट गए, इसके साथ ही कश्मीर के अंदर टेरर इंसिडेंट्स लगातार कम हो रहे हैं, आतंकी हमले जो बड़े हैं वो होने बंद हो गए हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती के बारे में जो कहा जाता है कि उनको ये नहीं दिखता, वो लगातार ऐसी बातें करती हैं जो कई बार उनकी बातें पाकिस्तान जैसा देश कश्मीर को लेकर के करता है। बिल्कुल, और ये बात ये रही थी कि मनीष की उन्होंने परवेज मुशर्रफ के मरने पर ये कहा था कि कश्मीर में शांति को लेकर के उन्होंने बहुत जो है गंभीरता से कदम उठाए थे। ऐसे में महबूबा मुफ्ती के बयानों पर निश्चित तौर पर सवाल उठते हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।